गोरे अंग्रेज अच्छे थे, अंग्रेजों के समय पर किसी भी मरगट से लाश उल्टी गांव में नहीं आई होगी। इस शासन में मरगट से 25-25-30 लाशें घर की ओर आ रही है, ऐसा कभी आपने सुना? अरे किसान अच्छा खाता है तब अच्छे पैदा होते हैं, ये नकली खाते हैं, बेईमानी का खाते हैं, नकली बच्चा पैदा होता है, वो लड़ ही नहीं सकते, गन ही नहीं उठा सकते, मर जाएंगे घबरा के लोग। मर्द लोगों का ही मर्द बच्चे पैदा होते हैं, वो सेना में जाते हैं और वो ही बूट बेल्ट की नौकरी करता है। सरकार के लिए संदेश नहीं, सरकार अब तैयार हो जाए। अब तक इस सरकार ने जो नाटक किए हैं, 6 वर्षों से मदारी का काम कर रहे हैं ये लोग, और आज इस देश में, आजाद देश में हम आजाद नागरिक एहसास नहीं कर रहे हैं। केवल ये 3 कानूनों की लड़ाई नहीं है, ये तो लड़ी ही जाएगी। अब इन काले अंग्रेजों का आह्वान करते हैं, कब आजादी की लड़ाई हमारी शुरू हो गई है। अब तुम्हारा जो शोषण का जो रवैया चल रहा है इसको ध्वस्त कर देंगे। जो जाति पार्टी धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जो नकली लोग, सबसे घटिया किस्म के लोग जो सांसद विधायक देश के अंदर बन गए हैं, अब इनकी कुर्सी हिलेगी और इनको पुनः उसी जगह पर पहुंचा दिया जाएगा जहां इनकी औकात है। आप अभी फौज में हो या रिटायरमेंट? हम रिटायरमेंट आ गए हैं, सेना में हमने सर्विस की थी, सुबह एप्लीकेशन देते, सुबह निवेदन करते, शाम तक हमारा कमांडिंग ऑफिसर फैसला दे देता था। सेना से आने के बाद हम यहाँ आए तो यहाँ मालूम लगा यहाँ के काले अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इतना भयंकर दीवारें खोद दी गई है समाज के अंदर, अगर एक खाई ऐसी भरती गई तो ये हरामखोर हमको आपस में मरवा देंगे भाई भाई को। सेना में सभी जाति के लोग एक जगह खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, मरते हैं, लड़ते हैं। आप सेना में रहे हो जी, बहुत सारी वीडियो वायरल हुई है फौज के, जो फौज में जो लोग रहते हैं, जो अपनी सर्विस देते हैं, सीमा पर रहते हैं, उनकी वीडियो वायरल होती रहती है, अपना मैसेज देते हैं कि हम यहाँ खाने के लिए हमें राशन नहीं, ना हमें पूरी सुविधाएं दी जा रही है और सरकार हम पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये बातें ये आप पे भी कभी गुजरी है, आपने भी कभी फील किया है? ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, अगर सेना में 100 लोग होंगे तो 1 लोग गलत होने के चांसेस है, 99% लोग उसमें सही निकलेंगे। जो 1 लोग गलत होते हैं बाद में बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं उनकी समस्या को रेक्टिफाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ जैसा सिस्टम नहीं है, यहाँ से नीचे से ऊपर तक एक ही थैली के चट्टे बट्टे बैठे हराम को, बीच में एक भी कड़ी ठीक नहीं मिल रही है। और आज डीएम बैठेगा तो सबसे नकली किस्म का डीएम बैठेगा, एसएसपी बैठेगा तो नकली किस्म का एसएसपी बैठेगा, ईमानदार जो आईएएस पीसीएस होंगे और आईपीएस होंगे वो साइड में बैठे होंगे, भ्रष्टों को ही उस कुर्सी पे बैठाया जाता है। इसलिए बॉटम टू टॉप जस्टिस मिलना आज के समय इस देश में संभव नहीं है मेरे भाई। अब 26 जनवरी को लेके क्या खुली चुनौती है, क्या तैयारी है? पूरी तैयारी, हम जाएंगे यहाँ से पूरी ताकत से जाएंगे, हिम्मत से जाएंगे और जहाँ जहाँ रुकावट डालेंगे उस रुकावटों को तोड़ेंगे। और ये हमें मालूम है, पुलिस में हमारे भाई हमारे परिवार के लोग हैं, मिलिट्री में हमारे परिवार के लोग हैं, ऊपर से आदेश आएगा तो साइड में गोली भले ही चलाए भाई, ऊपर नहीं चलावे, क्यों हमारे ही हैं ये, इनको मालूम है, अंग्रेज बैठे हुए हैं और जिनको अच्छी तरह मालूम है, इनसे गोरे अंग्रेज अच्छे थे, अंग्रेजों के समय पर किसी भी मरगट से लाश उल्टी गांव में नहीं आई होगी। इस शासन में मरगट से 25-25-30 लाशें घर की ओर आ रही है, ऐसा कभी आपने सुना? लेकिन अब उनकी जांच बिठा दी इन्होंने, अरे हरामखोरो, जांच में अगर तुमने बिठा दी तो हिंदुस्तान के मंत्री, अधिकारी, इंजीनियर, ठेकेदार सब जेल में घुस जाएंगे, ये तो कौन नहीं बचेगा भाई, क्यों घुसाए? ये जो नेता होते हैं मंत्रिमंडल में, जो मंत्री रहते हैं, उनके लोग सेना में सेवा क्यों नहीं देते हैं? नहीं, इनके बच्चे क्वालिटी के पैदा नहीं हो रहे। अरे किसान अच्छा खाता है तब अच्छे पैदा होते हैं, ये नकली खाते हैं, बेईमानी का खाते हैं, नकली बच्चा पैदा होता है, वो लड़ ही नहीं सकते, गन ही नहीं उठा सकते, मर जाएंगे घबरा के लोग। मर्द लोगों का ही मर्द बच्चे पैदा होते हैं, वो सेना में जाते हैं और वो बूट बेल्ट की नौकरी करता है। बूट बेल्ट की नौकरी करने वाले जितने भी लोग हैं उनको पता है कि इसमें कितना दर्द है, बाहर से अच्छा लगता है, जो ऊपर बैठे हैं आज भी हमारे साथ में इतना अत्याचार करते हैं। जब तक एक क्रांति नहीं हुई देश के अंदर, एक क्रांति जबरदस्त होनी चाहिए मेरे दिल की बात पूछे तो, इसमें बहुत हजारों लाखों लोग शहीद हो जाएंगे, लेकिन जो बचेंगे कम से कम चैन से तो जिएंगे। फौज से हो आप, रिटायरमेंट हो चुका है, लेकिन आप किसानों के समर्थन में वर्दी पहन के आए जी, और भी कुछ लोग इस तरह का समर्थन दे रहे हैं? आ रहे हैं, मैं आगरा से आया हूँ, आ रहे हैं, गाँव में कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं और गांव-गांव में रैलियां निकल रही हैं। कभी कभी हम निकल के चलते हैं,
अगर हम किसान यूनियन का झंडा लेके चलेंगे तो जो काले अंग्रेज हैं जो बैठे हैं लखनऊ में, दिल्ली में, राजधानी में, वो कहते हैं इनको रोको। पुलिस भाइयों को मजबूर रोकना पड़ता है, कहते हैं भैया ऊपर से प्रेशर है, रुक जाओ, झंडा ने जिम में धल्लू चले जाओ। आ रहे जय तरीका आते आ रहे हम लोग, और मैंने आह्वान कर दिया है। अब ये सरकार तो चाहती नहीं, इस देश के किसानों को चाहती है, ये भूखे रहें, नंगे रहें, अड़पड़ रहें, गंवा रहें, तो हमारी लहरें बनती रहेंगी। पीछे पुलिस वाले भी खड़े, जरा कैमरे में दिखाइए। नहीं नहीं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। पुलिस वालों का समर्थन मिल रहा है आपको इस आंदोलन में? देखो, पुलिस वाले भाइयों को नौकरी करनी है, जो उनका आदेश देगा उसका पालन करना पड़ेगा। लेकिन मैं यही कहता हूँ पुलिस वाले भाइयों से, पीएससी वाले भाइयों से, अपनी ड्यूटी को बचाते हुए, पीछे एक इमरजेंसी खिड़की तो सब जगह होते बस में जाता है कि नहीं, इमरजेंसी खिड़की, अगर इमरजेंसी खिड़की से मदद है जाए तो जरूर करियो। पहले अपनी नौकरी को रखो और बाकी चीजों तो हम जिनते लड़ लेंगे, और आप तैयार है हर तरह से, ये लड़ाई हमारी। मैंने देखा है, मैं जब जब यहाँ पर रिपोर्टिंग पे आता हूँ, ये 2-3 लक्कड़ इन्होंने जला रखे, और ये